रायबरेली लोकसभा सीट की बिसात पर कांग्रेस और भाजपा में छिड़े अंतिम युद्ध की। दरअसल योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को अंतिम अंग्रेज करार दिया है और दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह के इस बयान पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। दिनेश प्रताप सिंह का सोनिया गांधी पर अंग्रेज अटैक। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। रायबरेली सीट पर भाजपा कांग्रेस में अंतिम युद्ध। 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर जीत के ख्वाब देख रही भाजपा ने अभी से कांग्रेस पर तीखे हमले करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली को लेकर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का दावा है कि 2024 में यूपी से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को आखिरी अंग्रेज करार दिया है। कांग्रेस के वोट से क्या सोनिया गांधी जीती है? सोनिया गांधी तो 2019 में ही हारी है। अगर जीती है तो समाजवादी पार्टी का वोट, बहुजन समाज पार्टी का वोट, अपना दल कृष्णा पटेल गुट का वोट, इन वोटों से सोनिया गांधी जीती है। न कांग्रेस की बदौलत जीती है, न सोनिया गांधी अपनी बदौलत जीती है, न सोनिया गांधी एमपी हुई। 100% इस बार कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा, रायबरेली में नहीं रहेगी। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से प्रत्याशी थे। उनका सीधा मुकाबला तब सोनिया गांधी से था। 2019 में सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 मत मिले थे। सोनिया गांधी ने 1,67,178 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर सपा और बसपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा था। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा इन्हीं आंकड़ों से उत्साहित है। हालांकि सोनिया गांधी के लिए दिनेश प्रताप सिंह के मुखमंडल से जो अंग्रेज शब्द निकला है, उससे सियासत का पारा भी चढ़ने वाला है। क्या ये भाषा योगी आदित्यनाथ की है? ये भाषा देश के प्रधानमंत्री की? ये पहले वो तय कर ले। और इस तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि दिनेश प्रताप सिंह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मगर पूरा देश जानता है जिसने प्राणों की नौछावर अपने पति को खो दिया हो, और देश जानता, पूरा विश्व जानता है। मगर मैं इस बयान की निंदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या दिनेश प्रताप सिंह जी ठीक बोल रहे हैं? क्या दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई करेगी? साफ है कि दिनेश प्रताप सिंह ने विवाद का जो पन्ना पलटा है, उसमें अभी और कई बयान दर्ज होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।